हेई एंड वेलकम बैक टू द साइंस कोच एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज फ्रॉम द चैप्टर अटोमिक स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द मॉडल दैट वाज़ गिवन बाय बोहर सो बोहर से पहले एक साइंटिस्ट आए रद उन्होंने भी एक अटोमिक मॉडल दिया था बट दैट वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज Uh, उनका जो मॉडल था दैट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द एटम गेट अ स्टेबिलिटी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऐसा तो बोला बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में उनकी एनर्जी क्या होती है जिस वजह से दैट मॉडल इट फेस्ड फेलियर बिकॉज अगर एनर्जी उसकी स्टेबलाइज नहीं है तो देन इलेक्ट्रॉन फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम स्टेबल ही नहीं होगा एंड सेकेंड वॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट अटामिक स्पेक्ट्रम

वो किसी पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है अनलाइक रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स बस रिवॉल्व करते हैं उसने कुछ नहीं बोला कि फिक्स्ड होगा ऑर्बिटल की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होगी सो थर्ड ही इंट्रोड्यूस्ड अस विद द क्वांटाइजेशन कंडीशन सो क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या ही टोल्ड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई सो एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है सो लेट से मेरा जो एक इलेक्ट्रॉन है is, वो एक सर्कुलर मोशन में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास एम है वो किसी वेलोसिटी वी के साथ चल रहा है सो विद द सेंटर उसका जो रेडियस है और जो डिस्टेंस है लेट से डेट इज आर सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब भी हम किसी सर्कुलर मोशन में डील कर रहे होते हैं जो मोमेंटम है दैट इज एम इन टू वी तो एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाता है कि इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स वन इज द आर वैक्टर एंड अदर इज द पी वैक्टर ठीक है सो so, जो आर है यहाँ पे उसका रेडियस है एंड पी जो होता है दैट इज द लीनियर मोमेंटम सो एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल्स टू आर एम वी साइन थीटा सो so, आप ये सब फिजिक्स में पढ़ते हो वट आर द वैक्टर्स सो हम इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे वी आर ओनली इंटरेस्टेड विथ कि जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता क्या है हमारे पास ठीक so, so, है सो एल विल बी इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा सो लेट से जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स टू वैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास एक विलोसिटी वैक्टर है एक हमारा आर वैक्टर है सो so, उन दोनों में हमारे पास एंगल जो बन रहा है दैट इज नाइंटी डिग्री बिकॉज रेडियस ऑलवेज मेक्स नाइंटी डिग्री विद द टेंजेंट ठीक है सो साइन नाइनटी विल बिकम वन सो एल विल बी इक्वल टू एम वी आर सो नाउ क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसी h बाय टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है मतलब l विल बी इक्वल टू h बाई टू पाई या फिर हम कह सकते हैं l इज इक्वल टू टू एच बाई टू पाई इंटीग्रल मल्टीपल मतलब वो किसी इंटीजर को हम कैलकुलेट करेंगे मतलब

एल इज इक्वस टू एन एच पॉइंट टू पाई एंड इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं सो वी गॉट द क्वांटाइजेशन कंडीशन दैट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच पॉइंट टू पाई वेयर एच इज द प्लैक्स कॉन्स्टेंट और उसकी वैल्यू है सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स इंटू टेन डेज टू बा माइनस थर्टी फोर जाउस पर सेकेंड ठीक है एम जो है दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल बी दिलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इज द रेडियस ओके ऑफ द शेल सो द फोर्थ पॉस्ट वॉज वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स सो इसका क्या मतलब है इसमें सबसे पहले उसने दो तरह की फोर्सेज की बात करी है एक वो बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की एक वो बात कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की सो so, पहले इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स देख लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स तब इन्वॉल्व होती है जब भी हम किसी भी दो तरह के चार्जेस के ऊपर हम फोर्स चेक करना चाहते हैं वो चार्जेस वो लाइक like चार्जेस भी हो सकते हैं अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं ठीक है सो so, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स की बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन प्लस जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके बीच में हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं सो इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस ठीक है लेट से फर्स्ट चार्जेज क्यू वन सेकंड चार्जेज क्यू टू ठीक है और जो ये इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मेरे पास एक चार्ज क्यू वन है दूसरा चार्ज क्यू टू है एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट से वो आर है सो एफ विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर ठीक है अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटा दें तो वी विल राइट वन बाय फोर बाई एफ साइलेंट नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर ओके सो हेव वी गॉट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इफ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है तो उसमें वो फॉर्मूला विल बिकम q1 वन चार्ज लेट से इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है e, वाइल q2 टू चार्ज से दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज सो न्यूक्लियर चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें न्यूक्लियस का चार्ज रखना पड़ेगा सो so, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही होगा जितना उसके पास प्रोटोन होगा सो न्यूक्लियस क्योंकि पूरा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन्स कितने होते हैं उसके अटोमिक नंबर के इक्वल प्रोटोन्स होते हैं सो जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटोन सो अगर टोटल चार्ज लिखना है न्यूक्लियस का सो आई हैल्टीप्लाई जेड बाई इज द्ज ऑन वन प्रोटोन सो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस विल बी जेड इंटू ठीक है सो क्यू टू विल बीकम जेड इंटू ई सो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल बी वन बाय फोर बाय साइल नॉट ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वेयर वेयर जो आर है मान लो वो जिस ऑर्बिट में भी वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस है ठीक है और वी कैन से रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट है ठीक है सो सेंट्रीपिटल फोर्स को देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज एफ सी सो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले वो फोर्स होती है अगर कोई भी बॉडी सो so ये पेट्रोल है अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन अंडर गो कर रही है सो so हमेशा एक ऐसी फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होती है अगर ये फोर्स नहीं होती तो वो बॉडी कभी भी सर्कुलर मोशन अंडरगो नहीं कर सकती और राइट right? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी सर्कुलर मोशन नहीं होगा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इट हैज़ फॉर्मूला एम वी स्क्र बाय आर मतलब जो बॉडी जिसका मास एम है और वो कुछ विलासिटी वी के साथ रिवॉल्व कर रही है किसी रेडियस ऑफ जो सर्कुलर मोशन में वो जा रही है उसका जो रेडियस है दैट इज़ आर सो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्यर बाय आर ठीक है सो so, अब ये पॉस्टिलेट कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है मतलब जो फोर्स हमें चाहिए सेंटर की तरफ को उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए ठीक है वो कौन सी फोर्स काम कर रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन तभी घूम रहा है बिकॉज वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सो so, मतलब एफ ई एंड एफ सी दे बिकम इक्वल अगर एफ पी एफ सी के इक्वल आ जाता है मतलब वन बाय फोर बाय साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क बी इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉस्टुलेट सो जो अब ये जो पॉस्टुलेट करवा रही हूं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसी पूरे पॉस्टुलेट ने बोहर के मॉडल को फेलियर से या लिमिटेशन से बचा लिया ठीक है सो दिस पॉस्टुलेट रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नीदर गेन नॉर लूज एनर्जी मतलब उसने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा ठीक है क्यों उसने ये चीज बोली बिकॉज उसने एक कंसेप्ट पकड़ के रखा कि जो ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है या शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है हमेशा ठीक है तो so, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक क्लासरूम है क्लासरूम जो है वो एक एटम की तरह बिहेव कर रहा है ठीक है उस क्लासरूम में मैंने क्या किया हुआ है कि जो तीन रोज बनाई हुई है बेंचेस की ठीक है सबसे फ्रंट वाली रो है उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ के एक सेकंड रो है फिर कुछ स्पेस छोड़ के एक थर्ड रो बनाई हुई है ठीक है अब मैंने क्या किया हुआ है कि अब उन रोज के लिए मतलब उन बेंचेस के लिए मैंने एक लिमिट लगाई हुई है कि मान लो इतने परसेंट स्कोर करने वाला बच्चा इसी वाली रो में बैठेगा ठीक है मान लो फिफ्टी परसेंट स्कोर करने वाला बच्चा फर्स्ट रो पे बैठेगा और जो एट्टी परसेंट या उससे ज्यादा स्कोर करता है वो थर्ड रो में बैठेगा ठीक है इस तरह से मतलब मैंने तीनों रोज में एक परसेंटेज की लिमिट लगाई हुई है ठीक है अब जो भी स्टूडेंट आएगा जितना वो स्कोर करेगा अब उसको उसी रो में जाके बैठना पड़ेगा सेम हाल समझ लो एक एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन के साथ ठीक है अब जिस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ठीक है वो उसी ऑर्बिट में रहेगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की एनर्जी होगी ठीक है क्या बोला मैंने जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कौन से ऑर्बिट में होगा वो कैसे पता लगेगा जो उस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट की एनर्जी होगी मतलब मान लो कोई अब बच्चा था ठीक है वो सेकंड रो में बैठा है अब मैंने लिमिट क्या लगाई थी सेकंड रो वाले वो बच्चे होंगे जिसका सेवेंटी परसेंट है तो मतलब उस बच्चे के कितने परसेंटेज होंगे मतलब उस बच्चे के सेवेंटी परसेंट ही है तभी वो सेकंड रो में बैठा होगा मान लो फर्स्ट रो में बैठा है तो मतलब फर्स्ट रो वाला बच्चा बिलो देन दे स्कोर कर रहा है तभी वो फर्स्ट रो में बैठा है ठीक है तो यही इंपॉर्टेंट था उसने क्या बोला था कि फिक्स्ड फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे भी थ्री रोज हैं जो कि तीनों फिक्स्ड हैं तीनों की वैल्यू फिक्स्ड है एंड देन सो फिक्स्ड फिक्स्ड ऑर्बिट्स है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हुए उनकी एक एनर्जी होगी मतलब वो क्या स्कोर कर रहे हैं उनकी भी एक फिक्स्ड एनर्जी है देखो अब फर्स्ट और सेकेंड रो के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता मतलब अब बच्चा खड़ा तो नहीं रहेगा ना बच्चा बैठेगा बेंच के ऊपर अगर क्लास चल रही है तो वो बीच में कहीं नहीं हो सकता फर्स्ट रो सेकेंड रो के बीच में सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में कहीं नहीं रह सकता, ठीक है? इधर वो ने कैलकुलेशंस की इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के क्या क्या बोला इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कंसिडर करके उसने सारी की ध्यान से सुनो मैं पार्टिकल की क्यों फोकस कर रही हूँ बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो बोहर का जो मॉडल था वो फेलियर ही इसलिए उसका आया क्योंकि उसने सारी की सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के की थी ठीक है आगे आएगा हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है सो so, अभी वी हैव टू तो फोकस ऑन क्या कि बोहर ने जब कैल्कुलेशन की थी पूरा मॉडल दिया था उस टाइम तक कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है ठीक है सो so, उसने जो कैलकुलेशन की वो एक पार्टिकल को कंसिडर करके की कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और उसने क्या क्या कैलकुलेट कर दिया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी वो होगा जिस ऑर्बिट में वो होगा उस वहां तक का रेडियस क्या है विलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट कनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जब भी वो किसी ऑर्बिट में होगा तो उनकी ये सारे पैरामीटर्स जो थे उस बोहर ने हमें सारे किस की कैलकुलेशन दी सो फर्स्ट से उट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने उसके पॉस्टूलेट डिस्कस किए थे सो द फर्स्ट पॉस्टूलेट वॉज क्वान कंडीशन दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाइज सेकेंड वॉज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिहेव एज अन्ट्रीपिटल फोर्स सो इन दोनों पॉस्टूलेट्स को हम यूज करके रेडियस फाइंड आउट करेंगे सो वट विल वी डू सो फर्स्ट वी विल स्क्र द फर्स्ट इक्वेशन एंड वी विल डिवाइड द फर्स्ट स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन ठीक है फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वेयर करो एंड उसको सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड करो सो so, यहाँ से आर जो निकला दैट इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्र साइलन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वेयर ठीक है अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बिकॉज ये देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है इसको याद रखने में सो so, अगर इसको सिम्प्लीफाई करते हैं सो लेट से जो एच स्क्वेयर है दिस इज कॉन्स्टेंट अब साइलन नॉट इज कॉन्स्टेंट पाए कॉन्स्टेंट

ठीक है अब यहाँ पे जो हमने रेडियस कैलकुलेट किया है वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस सो फ्रॉम हेयर आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस द ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू इक्वल अपॉन टू एच अपसाइलन नॉट एन सो यहां से भी इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं वी एन इज इक्वल्स टू ई स्क्र अपॉन टू एच अपसाइलन नॉट बिकॉज दिस होल टर्म इज अ अंस्टेंट टर्म

ठीक है I am not write, writing r square. R square, अगर अगर मैं मैं लिखती तो that would be equal to force. वो force बन जाती एनर्जी लिख रही हूँ मतलब, तो वो आर स्क्वेयर नहीं होगा आर होगा कीप इट इन माइंड दिस इज आर ठीक और हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट सर्व्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो एम वी स्क्वे r आर के इक्वल होगी और हम इसको अगर सिम्प्लीफाई करें सो वी गेट कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वेयर ठीक है सो इट मीन्स कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है दैट इज़ डबल ऑफ कैनेटिक एनर्जी क्यों क्योंकि कैनेटिक एनर्जी खुद क्या है हाफ एम वी स्क्वेयर और पोटेंशियल एनर्जी है एम वी स्क्वेयर सो इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ट्वाइस ऑफ कैनेटिक एनर्जी बट इसमें एक चीज़ और एड ऑन होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ऑलवेज़ पॉजिटिव बट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाई बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में हम ऑलवेज साइंस को साथ में कंसिडर करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव साइन है वो साथ में कंसिडर होता है सो नाउ लेट्स कैलकुलेट टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होगा सो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्यर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम वी स्क्यर सो इसको कैलकुलेट करेंगे सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्यर मतलब टोटल एनर्जी एक्चुअल में हमारी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल ही होती है बट उसका साइन नेगेटिव होता है इट मीन्स टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी तो हमें काइनेटिक एनर्जी की ही मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा बस साइन नेगेटिव होगा सो काइनेटिक एनर्जी में वी वेलोसिटी की अगर हम वैल्यू पुट कर दें जो हमने एक्चुअल में सॉल्व करके ली थी देन वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर द कैनेटिक एनर्जी बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज फॉर द कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स सो फ्रॉम देअर वी गेट द वैल्यू फॉर कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू -13.6 थर्टीन अपॉन एन स्क्वेयर मोर ओवर इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ एन फॉर डिफरेंट शेल्स लाइक एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर सो हमें डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जीज पता चल जाएंगी एंड वी विल रियलाइज दैट दीज एनर्जीज दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ओके द मैग्नीट्यूड जो होगा उनका साइन तो नेगेटिव होगा बट वो वैल्यू ज़ीरो की तरफ जा रही होगी इस करके हम उसको बोलते हैं कि दे आर इंक्रीजिंग वैल्यूज okay so we will deal all these energies and concept of energies and the significance of the bohr model in the upcoming video so till then jump into the magical mystery of chemistry and do like share and subscribe to my channel if you like such videos keep learning